हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करके और चैनल को कस्टमाइज़ करते हो तो दोस्तों वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, योर अकाउंट गेट अ रिस्क ऑफ अटैक बिकॉज यू डोंट हैव टू स्टेप वेरीफिकेशन। दोस्तों ये टू स्टेप वेरीफिकेशन होता क्या है और इसको इनेबल करने से क्या बेनिफिट होता है और इसको इनेबल कैसे करते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने से क्या बेनिफिट होता है? दोस्तों अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करके रखते हो दोस्तों, इससे आपको हैकर से सुरक्षा मिल जाती है। कभी भी आपका चैनल को या आपके अकाउंट को कभी भी कोई हैकर हैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों ऐसे तो कितने भी सिक्योरिटी सिस्टम लगा दो लेकिन दोस्तों हैकर लोग उसका बाईपास कर ही देते हैं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी हद तक आपके चैनल को प्रोटेक्ट कर देता है। दोस्तों अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो, अगर गलती से किसी को पता भी चल गया, आपके चैनल का जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड भी पता चल गया, तो भी आपके चैनल का जो अकाउंट है, जो जीमेल आईडी है, उसको कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड को टाइप करता है लॉगिन करने के लिए, वैसे ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है। दोस्तों वहाँ पर आपको यस और नो करना होता है। दोस्तों आपको हमेशा नो करना है, क्योंकि दोस्तों आपको कभी भी परमिशन नहीं देना है अदर पर्सन को अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। दोस्तों इस टू स्टेप वेरीफिकेशन को इनेबल कैसे करते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करके रखा है। दोस्तों मैं इस चैनल पे आप लोगों को कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, जो भी सेटिंग करना होता है सब कुछ मैं इस चैनल पे करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र में अपना चैनल को लॉगिन कर लिया है और चैनल को कस्टमाइज़ कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वार्निंग आ रहा है, यू अकाउंट इज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ अटैक बिकॉज यू डोंट हैव टू स्टेप वेरीफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना है। दोस्तों यहाँ पर जो डॉलर का आइकन है इस पर क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे इनेबल नहीं है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर इनेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टर्न ऑन नाउ का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। टर्न ऑन पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक कुछ ऐसा आ गया है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करके और अपना ईमेल आईडी को चूज़ कर लेना है जिस पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना चाहते हो, जिस पर आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस पर इनेबल करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर चूज़ कर लेता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको उस ईमेल आईडी का पासवर्ड टाइप करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फ़ोन का जो डिवाइस है वो शो कर देगा। दोस्तों आपका जो फ़ोन कौन किस कंपनी का फ़ोन है और किस फ़ोन में लॉगिन है यहाँ पर आपको शो कर देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है जिससे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो सेंड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ओटीपी कंफर्म करना है जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, दोस्तों यहां पर आपको टर्न ऑन कर देना है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि टू स्टेप वेरिफिकेशन यहां पे मेरा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर से गायब हो जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि टू स्टेप वेरीफिकेशन यहाँ पे एक्टिव हो गया। दोस्तों अगर आप टू स्टेप वेरीफिकेशन को इनेबल नहीं करते हो तो दोस्तों आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने में ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जब तक आपके चैनल पर टू स्टेप वेरीफिकेशन इनेबल नहीं होगा तब तक आप मोनेटाइज भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट भी हो जाएगा तो भी आप मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। जब तक आप टू स्टेप वेरीफिकेशन को इनेबल नहीं करोगे तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इस प्रकार से आप टू स्टेप वेरीफिकेशन को इनेबल कर सकते हो। तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।